नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अनिल कपूर 61 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर 1956 को हुआ था। कई हिट फिल्मों में काम करने वाले अनिल की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रगलिंग के दिनों में अनिल कपूर के पास टैक्सी का किराया देने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो सुनीता ही उनका खर्च उठाती थी। वहीं कम ही लोग जानते होंगे कि सुनीता की आवाज सुनने को बेकरार रहने वाले अनिल ने दोस्तों की सलाह के चलते 2 बार शादी पोस्टपोन कर दी थी। दोनों ने 19 मई 1984 में शादी की थी। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, तब अनिल कपूर एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और सुनीता एक जानी मानी मॉडल। अनिल सुनीता को देखकर उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। वे उनके करीब आना चाहते थे, लेकिन उनके पास सुनीता तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। फाइनली उनके दोस्तों ने उन्हें टेलीफोन नंबर प्रोवाइड कराया। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। अनिल सुनीता की आवाज के दीवाने हो गए थे। अनिल ने एक इंटरव्यू में बताया था, सुनीता से फोन पर बात करने के दौरान एक दिन उनसे मिलने की बात कही। वे तैयार हो गए तब सुनीता ने पूछा, कितनी देर में पहुंच जाओगे? तब मैंने कहा 2 घंटे में। सुनीता ने कहा, इतना वक्त क्यों? तब मैंने कहा, मैं बस ले आऊंगा तो इतना वक्त तो लगेगा ही। उन्होंने कहा, बस क्यों आ रहे हो? मैंने उन्हें साफ बताया, मेरे पास उतने ही पैसे हैं। तब सुनीता ने अनिल से कहा, आप कैब कर लो, मैं यहाँ उन्हें पैसे दे दूंगी। इस डेट के बाद दोनों बस और टैक्सी से मुंबई की खूबसूरत जगहों की सैर करने लगे। सुनीता नामी मॉडल होने के बाद भी बस से घूमने में आपत्ति नहीं जताती थी। वे ही अनिल का पूरा खर्च उठाती थी। आखिरकार अनिल ने उन्हें प्रपोज कर दिया और बात शादी तक आ गई। करियर के शुरुआती दौर में अनिल को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हुए थे। अनिल ने हमारे तुम्हारे 1979, शक्ति 1982 जैसी फिल्मों में साइड रोल किए। उन्हें 1983 में आई फिल्म 7 दिन में बतौर लीड एक्टर का रोल मिला। फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद 1984 में आई फिल्म मशाल ने उन्हें खासी पहचान मिली। इसी बीच अनिल ने सुनीता से शादी करने का फैसला किया। दोनों की शादी पर उनके परिवार वालों को तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन अनिल के बॉलीवुड के दोस्तों को आपत्ति थी। उन्होंने अनिल को सलाह दी कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा। दोस्तों की बात मानकर अनिल ने 2 बार शादी की डेट भी टाल दी। जब अनिल ने दूसरी बार शादी की डेट टाली तो सुनीता ने आपत्ति जताई और कहा, ऐसा नहीं चलेगा,